भारत में ऑनलाइन शॉपिंग में शामिल सभी विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करती हुई व्यापार मंडल द्वारा एक मीटिंग उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की मुख्य कार्यालय तिलक नगर कॉलोनी पर आयोजित की गई, जिसमें विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा कि विदेशी कंपनियों ने भारत देश के बाजारों में ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से घटिया सामग्री व कम वजन व उत्पाद कम रेट में विक्रय दिखाकर पूरे भारत देश के बाजारों को तबाह व बर्बाद कर दिया है, जिसे पूरे भारत देश में दुकानदार डिस्ट्रीब्यूटर व एजेंसी स्वामी खाली हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं, जिससे व्यापारियों के साथ साथ प्राइवेट स्टाफ कर्मचारीगण वेल्डर इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर कारपेंटर आदि समस्त टेक्नीशियन टेक्निकल व व्यापारी समाज बेरोजगारी की स्थिति पर खड़ा है। विदेशी कंपनियों द्वारा खोले जा रहे शॉपिंग मॉल व ऑनलाइन ने हमारे देश के बाजारों में पूर्ण रूप से कब्जा स्थापित करना शुरू कर दिया है। इससे पूर्व में भी बरसों पहले इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश के बाजारों में घुसकर पहले भारत देश के बाजारों पर कब्जा किया तथा उसके पश्चात पूरे भारत देश पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल द्वारा मांग की गई कि जनहित में व्यापारी हित में व भारत देश की सुरक्षा हित में विदेशी कंपनियों का बहिष्कार किया जाना अति आवश्यक है। पब्लिक लुभावनी चीज देखती है अट्रैक्शन के बाद, मॉल के अंदर वो समझने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से जिस प्रकार से वो लुभावना दे करके भारत के नागरिकों को ठग रहे हैं, व्यापारी समाज को ठग रहे हैं, उससे भारत देश का व्यापार तबाह बर्बाद हो गया है। व्यापार मंडल इस बात का विरोध करता है और माननीय देश के प्रधानमंत्री जो भारत के बहुत ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, देश हित के प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी से हम अनुरोध करते हैं कि देश हित में देश की सुरक्षा के हित में ऑनलाइन विदेशी कंपनियों का व्यापार को रोका जाए और विदेशी कंपनी जिस प्रकार से भारत देश के अंदर बड़े बड़े मॉल खोल के बाजार के बाजारों को समाप्त करने का मिशन बना रही है, इसको रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़ी भारी बेरोजगारी इस देश में खड़ी हो जाएगी जो रोके से नहीं रुक पाएगी, इतनी बड़ी बेरोजगारी खड़ी हो जाएगी। इस बेरोजगारी को रोका जाना अति आवश्यक है, इसके लिए हम लोग संघर्ष करने को तैयार हैं। आप लोगों को याद होगा एक जमाना था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से आने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत देश में कब्जा किया और पहले उन्होंने कंपनी बनाई और कंपनी लाकर भारत में व्यापार किया और उसके बाद उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया और अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के बाद हमारे पूरे भारत देश पर कब्जा किया और 200 साल उन्होंने हमारे भारत देश में कब्जा किया। उस वक्त भी आज़ादी लेने के लिए हमें हमारे भारतीयों कितनी कुर्बानी देनी पड़ी थी, लेकिन आज हम इस चीज़ से वाकिफ हैं, इस चीज़ से अवगत है कि पहले किस प्रकार विदेशी कंपनियों ने रोल अदा किया था, इसलिए हम अभी से इस बात का विरोध करते हैं कि विदेशी कंपनियों को माननीय प्रधानमंत्री जी रोके और इनका जो भारत के अंदर शत प्रतिशत इनको अनुमति मिल गई है व्यापार खोलने की, इनकी अनुमति निरस्त होनी चाहिए और स्वदेशी का बढ़ावा होना चाहिए। हमारे देश के अंदर बना हुआ जो प्रोडक्ट है जिसके कहते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट, उसका बढ़ावा होना चाहिए, ना कि विदेशी कंपनियों का। इन पर रोक लगेगी तो भारत के बाजार जगमग रहेंगे और बाजार अगर जगमग नहीं होंगे तो देश में बेरोजगारी बहुत बुरी तरह फैल जाएगी। भारतीय बाजार से जुड़ा हुआ तबका है इलेक्ट्रीशियन टेक्निकल तबका, जैसे आपका इलेक्ट्रीशियन वेल्डर कारपेंटर पेंटर ये कौन है, ये सब बाजार के व्यापारी से जुड़े हुए हैं। जब सारा बाजार समाप्त हो जाएगा तो टेक्निकल हैंड सारा समाप्त हो जाएगा, जितने भी ये वेल्डर हैं इलेक्ट्रीशियन हैं कारपेंटर हैं पेंटर हैं जितने भी ये हमारे टेक्निकल हैंड हैं हमारे जो बाजार में कदम कदम पर वेल्डर हैं हमारा साथ देते हैं, जिनकी वजह से बेरोजगारी आज भारत देश में समाप्ति के कगार पर हम लेके जाना चाहते हैं, वो बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर इस पर रेन लगेगा। हम इस पर माननीय प्रधानमंत्री पर अनुरोध करते हैं और हम इस संबंध में अतिशीघ्र जिलाधिकारी महोदय को माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देंगे, जिसके अंदर ये मांग करेंगे कि विदेशी माल और विदेशी ऑनलाइन परचेजिंग बंद कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।